बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। आपको बताते चले कि प्रयागराज में आज बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। शंख नाद कर खिलाई एक दूसरे को मिठाई और साथ ही मीडिया से भी की वार्तालाप। आइए सुनाते हैं जिला क्राइम ब्यूरो रोहित शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। 6 दिसंबर 1992 को भारत माता के कलंक का टीका जो लगा था, उसे अनियंत्रित भीड़ ने लोकतांत्रिक ढंग से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए गिरा दिया। पर पूर्व की सरकारों ने मुस्लिम तुष्टिकरण को दृष्टिगत रखते हुए हमारे वरिष्ठ नेताओं को आरोपी बताया और उसके मुकदमे का आज निस्तारण हुआ। माननीय न्यायालय ने उन लोगों को आरोपी मानने से इनकार कर दिया। कोई वह आपराधिक षड्यंत्र नहीं था, इसे हम न्याय की जीत मानते हैं। आज इसी के उपलक्ष्य में जो निर्णय आया है उसका स्वागत करते हुए जश्न मना रहे हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेता आज इस आरोप से मुक्त हुए, इसकी खुशी हम लोग व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पवन श्रीवास्तव, पार्षद भाजपा, प्रयागराज महानगर।